गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनसी चिल्ड्रन अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा 12th क्लास का जो केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा था वो है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था फैक्टर अफेक्टिंग टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो बेसिकली हमने गैसेस की सॉल्युबिलिटी जो है वो हम पढ़ रहे थे, और फिर हमने ये सीखा था कि एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, गैस की जितनी अमाउंट सॉल्युबल हुई उसके अंदर, उस अमाउंट को ही क्या कह देते हैं, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहते हैं। और इसके अलावा फिर हमने फैक्टर पढ़े थे, और फैक्टर में मैंने आपको जो फर्स्ट पढ़ाया था वो था नेचर ऑफ गैस। ठीक है, तो ये पिछले वीडियो में हमने क्लियर कर दिया। फिर उसके बाद में हमने ये पढ़ा था नेचर ऑफ सॉल्वेंट। फिर तीसरा जो पॉइंट था वो हमने पढ़ा था टेम्परेचर। टेम्परेचर किस तरीके से अफेक्ट करता है, तो ली शेडेली प्रिंसिपल की मैंने बात की थी कि गैस को जब भी डिसॉल्व किया जाता है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रेशर। आज हम प्रेशर पे बात करेंगे कि प्रेशर जो है वो गैस की सॉल्युबिलिटी को किस तरीके से अफेक्ट करता है। ठीक है, तो देखिए जनरली प्रेशर पे, जब प्रेशर का इफेक्ट देखा गया कि प्रेशर किस तरीके से अफेक्ट करता है, तो कुछ ऑब्जर्वेशन होती हैं। वो ऑब्जर्वेशन ये थी कि प्रेशर को जब हम इंक्रीज करते हैं किसी गैस की सॉल्युबिलिटी के लिए, जब उस सॉल्यूशन पे प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है, तो जो सॉल्युबिलिटी है किसी गैस की वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो फिर इस पूरे एक्सपेरिमेंट पर एक लॉ दिया गया जिसको कि हेनरीज लॉ कहते हैं। हेनरीज लॉ, ठीक है, बड़ा सिंपल सा लॉ है ये। हेनरीज लॉ क्या था, हेनरी ने कहा कि भाई कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी गैस का प्रेशर उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुई गैस की अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, टेक्निक थोड़ी सी अलग है, मैं आप बिल्कुल सिंपल वे में आपको बताऊंगा कि भाई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर क्या हुआ, गैस भरी हुई है, डिसॉल्व हुई है, सॉल्युबल है। तो हेनरी ने यह कहा कि इस सॉल्यूशन के अंदर कितनी गैस सॉल्युबल हुई है, वो जो उसकी अमाउंट है ना, वो उस प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो प्रेशर उस सॉल्यूशन के ऊपर लगाया गया। सिंपल वे में मतलब ये है कि m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है pK। m यहां पर क्या है, अमाउंट है गैस की, अमाउंट कितनी अमाउंट डिसॉल्व हुई है, और प्रेशर जो है वो गैस का प्रेशर है। तो आप समझ रहे होंगे कि प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ही अमाउंट क्या होगी, ज्यादा होगी। प्रेशर जितना ज्यादा होगा अमाउंट ज्यादा होने का मतलब सॉल्युबिलिटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये है लीगल लॉ था। फिर आगे जाके इसको सॉल्व कर लेते हैं, कुछ भी नहीं है, m इज इक्वल टू स्मॉल k p, और स्मॉल k जो है यहां पर वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये सीखा कि हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी सॉल्वेंट के अंदर या सॉल्यूशन में जो डिसॉल्व हुई भी गैस है, उस गैस की अमाउंट उस सॉल्यूशन पर लगने वाले गैस के प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और सिंपल वे में प्रेशर जितना ज्यादा होगा, m जो है उतना ही अमाउंट उतनी ही ज्यादा होगी।
इसको अपने ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स देखी होगी, तो कोल्ड ड्रिंक बॉटल के ऊपर जो ढक्कन लगा होता है वो एयर टाइट होता है। अब कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिसॉल्व हुई भी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब हम उस ढक्कन को हटा देते हैं वहां से तो बबल्स बाहर निकलते हैं। ढक्कन हटाने का मतलब ये कि हमने प्रेशर को क्या कर दिया, कम कर दिया। प्रेशर हटाया तो गैस की अमाउंट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब उसको कॉर्क को या ढक्कन को हम वहां से हटा देते हैं तो उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड के जो बबल्स हैं वो पहले जितने नहीं रहते जितने पहले थे। तो इसीलिए वो हेनरी लॉ जो है वो उस कोल्ड ड्रिंक की बॉटल के ऊपर लगता है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप। इसी लॉ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए जो ये अमाउंट है, जो मास है, मास इसको हमने मोल फ्रैक्शन भी तो कहा था। मोल फ्रैक्शन जो है जिसको हमने नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स वाला फार्मूला है, तो नंबर ऑफ मोल्स या मोल फ्रैक्शन के साथ भी इसको जोड़ सकते हैं। मास बेसिकली क्या होता है, प्रेजेंट मोल ही तो होते हैं, तो मोल्स जो है उनके साथ भी इस लॉ को हम जोड़ सकते हैं। इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस। ये एक्स गैस क्या चीज है, एक्स से किसको रिप्रेजेंट करते थे, मोल फ्रैक्शन को करते थे, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। प्रेशर जितना ज्यादा होगा गैस के मोल उतने ही क्या होंगे, ज्यादा होंगे। प्रेशर जितना कम होगा मोल फ्रैक्शन उतना ही कम होगा। क्लियर। पी को इसको हटा देते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को, तो क्या आ जाएगा यहां पर के एच आएगा, के एच एक्स यस। तो के एच जो है इसको हम बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट, इसको हम हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर है। देखिए इनमें से इसको और इसको या इसको और इसको अगर हम इनको देखें तो यहां पर हम इसके अंदर ग्राफ जो है वो भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए ग्राफ जो है वो किस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा, मोल फ्रैक्शन और प्रेशर के बीच में। मोल फ्रैक्शन है एक्स गैस और यहां पर प्रेशर। तो देखिए प्रेशर और मोल फ्रैक्शन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो ग्राफ ऑब्टेन होगा वो कैसे बनेगा, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन जो है वो हमें इसके अंदर मिलेगी। क्लियर है ना सबको। तो ये भैया आपको जो है वो याद रखना है, हेनरी लॉ जो है वो क्या है और इसमें रिलेशन जो है किस किस प्रकार से बनते हैं ये आपने देख लेना है। अब देखो इस फार्मूले से अगर हम हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी चाहें तो आप कर सकते हो P अपॉन क्या आ जाएगा, X गैस आ जाएगा। अगर X गैस की वो कैलकुलेट करना चाहते हो तो ये क्या आ जाएगा, P अपॉन KH आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से फार्मूला बन जाएगा। तो हेनरी लॉ के बारे में हमने क्या समझा कि हेनरी लॉ ये बताता है कि गैस की जो सॉल्युबिलिटी है या फिर गैस की जो अमाउंट है वो किसके साथ कोरिलेट होती है, प्रेशर के साथ। प्रेशर जितना ज्यादा होगा, प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतनी ही गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी, और प्रेशर कम करते जाएंगे तो गैस क्या होती जाएगी, कम डिसॉल्व होती जाएगी। क्लियर है। तो ये इसमें आपको याद रखना है। तो ये था हेनरी लॉ। अब हेनरी लॉ जो है उसमें एक तो ये स्टेटमेंट जो आपका हमने पढ़ा है ये इंपॉर्टेंट है, वो अपने से डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है, और दूसरी बात जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो है एप्लीकेशंस। फर्स्ट एप्लीकेशन। अब जो हेनरी लॉ के ऊपर सेकंड क्वेश्चन बनेगा वो एप्लीकेशंस पे बनेगा। एप्लीकेशन देखो, फर्स्ट एप्लीकेशन टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ CO2 इन
कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, या फिर सोडा वाटर लिख देते हैं हम, सोडा वाटर। तो सोडा वाटर के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को इंक्रीज करना है तो कौन सा लॉ लगाते हैं उसके ऊपर? हेनरी लॉ लगाते हैं। हेनरी लॉ क्या कहता है कि अगर आपने किसी भी सॉल्यूशन के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करना है तो उस पे आप क्या इंक्रीज कर दो? प्रेशर इंक्रीज कर दो। और प्रेशर इंक्रीज करते ही क्या होगा? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए अब कांसेप्ट समझ में आया कि कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, चाहे वो ग्लास वाली बॉटल हो चाहे प्लास्टिक वाली बॉटल हो, उसके ऊपर जो ढक्कन लगा होता है जो, तो वो जो है वो एयर टाइट लगा होता है। उसका रीजन यही है कि वो प्रेशर को मेंटेन रखना चाहते हैं ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो घुली रहे या सॉल्युबल रहे। तो ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। दो एप्लीकेशन जो है इसकी रह जाती है, एक्चुअली में वो बड़ी है तो उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। और ये तीनों एप्लीकेशन जो है वो आपको याद रखनी है। तो आज हम यहीं पर इतना ही पढ़ेंगे। एप्लीकेशन जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के